बारे में पढ़ा था। हमें क्या लिखा था? प्राणी के चित्र देखकर, पक्षी, फल और सब्जी के चित्र देखकर हमने क्या लिखा था? उसका शब्द लिखा था कि ये कौन से प्राणी का चित्र है, ये कौन से फल का चित्र है और ये कौन सी सब्जी का चित्र है। तो आज हम क्या लिखने वाले हैं? आज हम शब्द रचना सीखने वाले हैं। लेकिन आपको शब्द रचना सीखने से पहले मैं आपको वर्णमाला का पुनरावर्तन कराने वाली हूँ। तो चलो अब हम वर्णमाला का पुनरावर्तन करें। चलो बच्चों अब हम वर्णमाला का पुनरावर्तन करें। देखो बच्चों यहाँ कमल का चित्र दिया गया है, लेकिन यहाँ क के नीचे लिटी आपको दिखाई दे रही है। देखो ये यहाँ फक्त मल आप दिया गया हो तो आपको क लिखना होता, तो ये क्या शब्द बन गया? कमल। फिर देखो बच्चों यहाँ खटिया। फिर ये देखो बच्चों ये कौन सा चित्र है? ये गमला का चित्र है, तो ये गमला। देखो बच्चों यहाँ गमला इसी तरह लिखा जाता है। ये घर का चित्र है, देखो बच्चों घर इसी तरह लिखा जाता है। आपको यहाँ र ही दिया गया है और आगे रिक्त स्थान हो तो आपको ग लिखकर शब्द पूर्ण करना होगा, ये घर। फिर देखो बच्चों यहाँ चरखा, ये कौन सा चित्र है? चरखे का चित्र है। देखो बच्चों आपको रिक्त स्थान दी गई है, रखा ऐसा ही लिखा हो तो आपको आगे क्या लिखना है? च लिखना है, यानी कि उसकी शब्द रचना करनी है। तो यहाँ क्या है? चरखा, चरखा यानी रेडियो। फिर देखो बच्चों ये छतरी का चित्र है, छतरी। आगे मैंने बताया ना आपको यहाँ छ, छ के नीचे एलिटी है, आपको तरी दिया गया हो तो आपको छ लिखकर शब्द बनाना होगा, छतरी। छतरी यानी छतरी। फिर देखो बच्चों ये ठठेरा का चित्र है, ठठेरा यानी कंसारो। फिर ये डमरू, देखो बच्चों यहाँ डमरू, यहाँ डमरू दिया गया है, आपको यहाँ मारू ऐसा ही दिया गया हो और आगे रिक्त स्थान हो तो आपको क्या लिखना है? ड लिखकर उसकी शब्द रचना बनानी है, तो डमरू डमरू हो जाएगा, डमरू यानी डमरू। फिर देखो बच्चों ये ढकना, ढकना यानी ढकनू। फिर ये बाण का चित्र है, बाण यानी बाण। तो चलो आगे देखिए बच्चों ये तलवार का चित्र है, तलवार यानी तलवार। फिर आगे ये थन, थन यानी आंचर, जो गाय होती है ना उसका ये आंचर, आंचर को हम हिंदी में थन कहते हैं, थन यानी आंचर। फिर देखो बच्चों ये दरवाजे का चित्र है, दरवाजा यानी दरवाजो। फिर आगे देखे बच्चों ये ध्वजे का चित्र है, ध्वजा, ध्वजा यानी ध्वजा। फिर देखो बच्चों ये नल का चित्र है, नल यानी कि नल। फिर देखो बच्चों ये पतंग का चित्र है, बच्चों को तो बहुत पसंद है, तो देखो बच्चों पतंग इसी तरह लिखा जाता है, लेकिन आपको रिक्त स्थान दी गई है आगे और तंग ही लिखा हो तो आपको क्या लिखना है? आगे कौन सा मूलाक्षर लिखना है? आपको प अक्षर लिखकर उसकी शब्द रचना करनी है, उसका शब्द बनाना है, तो क्या हो जाएगा? पतंग, पतंग यानी पतंग। फिर देखो बच्चों आगे देखे हम ये फल का चित्र है, अलग अलग फल यहाँ है ना कटोरी में रखे गए हैं, तो देखो यहाँ फल यानी फल। फिर आगे देखिए बच्चों ये देखो बच्चों को तो ये पता ही होगा, आप स्कूल आते जाते रहते हैं, तो ये बस का चित्र है, बस यानी बस। चलो बच्चों देखो यहाँ बसे भगत, भगत यानी कि भगत। चलो आगे देखिए बच्चों यहाँ मगर का चित्र दिया गया है, मगर, मगर यानी मगर। फिर आगे देखिए बच्चों चलो ये कौन सा चित्र है? ये यति बाबा यानी कि जैन साधु, ये यति का चित्र है, यति यानी जैन साधु। चलो बच्चों
फिर ये रथ का चित्र है, रथ यानी कि रथ, रसे रथ, रथ यानी रथ। फिर देखो बच्चों ये लड़के का चित्र है, लड़का, लड़का यानी छोकरो। फिर देखो बच्चों ये वजन, आप दुकान जाते हैं, 1 किलो 2 किलो आपको जो भी वस्तु देते हैं वो आपको क्या करते हैं, इसमें माप कर देते हैं, वजन, वजन यानी वजन। चलो बच्चों ये शरबत का चित्र है, शरबत यानी शरबत। चलो आगे देखें, ये षटकोण का चित्र है, देखो यहाँ षटकोण, षटकोण यानी षटकोण। फिर आगे देखिए बच्चों, चलो ये सड़क का चित्र है, आपको दिखाई दे रहा है ना, सड़क यानी कि रास्तों। फिर चलो आगे देखिए बच्चों, चलो बच्चों ये हल का चित्र है, हल, हल यानी हल। फिर चलो आगे देखिए, ये क्षत्रिय का चित्र है, क्षत्रिय यानी क्षत्रिय। फिर चलो बच्चों आगे देखिए, ये कौन सा चित्र है, यज्ञ का चित्र है, यज्ञ, यज्ञ यानी यज्ञ। फिर चलो आगे देखिए बच्चों, ये कौन सा चित्र है, पत्र का, पत्र, पत्र यानी कि पत्र। फिर चलो आगे देखिए, ये श्रवण का चित्र है, तो श्रवण यानी श्रवण। तो चलो बच्चों हमने हिंदी वर्णमाला की समझ ली, अब हम शब्द रचना कैसे करते हैं इसकी समझ लेंगे। चलो बच्चों वर्णमाला में हमने देखा ना कि शब्द चित्र पर से किसी तरह बनता है, तो देखो बच्चों यहाँ मैंने कुछ चित्र दिए गए हैं, देखो यहाँ को दिखाई दे रहा है ना, देखो यहाँ एक भरत का चित्र, ये डमरू का चित्र, ये गमले का चित्र, ये पतंग का चित्र और ये चरखे का चित्र। देखो बच्चों यहाँ ये पतंग, पतंग यानी पतंग। फिर देखो ये
चलो बच्चों, आपकी जो किताब लेखन विकास है उसमें पन्ना नंबर 5 में आपको लिखना है दिनांक 26 अगस्त 2020। देखो बच्चों, यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, चित्र देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अभी मैंने बताया था ना आपको, तो देखो बच्चों, यहाँ ये खरल का चित्र है। खरल यानी खांडनी। तो देखो बच्चों, यहाँ हम र लिखकर शब्द पूर्ण करेंगे, ख र ल। फिर चलो बच्चों, ये ठठेरा का चित्र है, तो हम ये क्या, यहाँ कौन सा अक्षर लिखे तो ये ठठेरा हो जाएगा। हम यहाँ ठ लिखकर उसे मात्र करेंगे, ठ ठेरा, ठठेरा यानी कंसारो। फिर देखो बच्चों, ये डमरू का चित्र है, हम यहाँ कौन सा अक्षर लिखे तो ये डमरू हो जाए, तो ड, तो ये डमरू, डमरू यानी डमरू। फिर देखो बच्चों, यहाँ चरखा, हम यहाँ खा लिख कर ये शब्द पूर्ण कर सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे खा। तो देखो बच्चों, यहाँ चरखा, चरखा यानी रेडियो। फिर ये ग रिक्त स्थान ला, मैंने अभी आपको वर्णमाला में बताया था कि आपको इसी तरह शब्द रचना करनी है। तो देखो बच्चों, हम यहाँ कौन सा अक्षर लिखे तो ये गमला हो जाए, तो म, तो मैंने यहाँ म लिखकर शब्द पूर्ण किया, ग म ला, गमला यानी कुंडू। फिर देखो बच्चों, ये ज्ञा नी, हम यहाँ नी लिखकर ये शब्द पूर्ण करते हैं, ज्ञानी यानी ज्ञानी। फिर देखो बच्चों, ये कौन सा चित्र है, पतंग का चित्र है, पतंग रिक्त स्थान, तो हम यहाँ ग लिखकर ये शब्द पूर्ण करते हैं, पतंग। फिर ये कौन सा चित्र है, देखो बच्चों, तो देखो बच्चों, ये बिल्ली का चित्र है, तो हम यहाँ आधा ली लिखकर ये शब्द पूर्ण कर सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ बिल्ली, आपको रिक्त स्थान में आधा ल लिखना है। फिर देखो, ये औरत, तो हम यहाँ औ लिखकर ये शब्द पूर्ण कर सकते हैं, औरत, औरत यानी स्त्री। फिर देखो बच्चों, दूसरा प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से ऊंची शब्द पसंद करके प्रत्येक शब्द समूह के नीचे लिखिए। ये अनाज, सब्जियां, मसाले, मिठाइयां और फल। देखो बच्चों, यहाँ आम, संतरा और ये केला, तो ये फल है, तो हम आपको भी इसी तरह लिखना है फल। फिर देखो, ये जलेबी, बर्फी और ये पेंडे, तो ये मिठाइयां है, तो आपको यहाँ लिखना है मिठाइयां। फिर देखो, ये आलू, मूली और ये बैंगन, तो ये सब्जियां है, तो आपको यहाँ लिखना है सब्जियां। फिर देखो बच्चों, ये मिर्च, नमक और ये हल्दी, तो ये मसाले है, तो हम यहाँ लिखेंगे मसाले। फिर देखो, गेहूँ, चावल और ये बाजरा, तो ये अनाज है, तो हमें यहाँ लिखना है अनाज। बच्चों, आपको भी इसी तरह आपकी किताब में पन्ना नंबर 5 में इसी तरह प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। बच्चों, आशा रखती हूँ आपको ये शब्द रचना में समझ आ गई होगी। आपको ये होमवर्क करके हमारे ग्रुप में बहुत ही जल्द भेज देना है। आभार बच्चों।